वेलकम बैक टू माय ममाज चैनल, इज ममाज यार। तो आज मम्मा ने बनाई है खीर और उसकी रेसिपी बनाई है, तो आप इनकी रेसिपी देखो। हम खीर एंजॉय करते हैं, आप रेसिपी देखो। गाइस थैंक यू सो मच, मेरे 500K पूरे हुए हैं एंड लैक्स हुए हैं शायद 500K, मतलब 5 लाख। तो अभी अभी मैं लाइव भी आई थी, थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ लाइव जुड़े थे। अगर आप लोग ने लाइव वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कल मैंने रात को ना खीर बनाई थी, वैसे मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ना फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है मुझे आज मेरे 5 लाख पूरे हो जाए। तो ये ठंडी ठंडी खीर, एकदम यम्मी यम्मी वाली ठंडी ठंडी खीर है, खा के बता रहा बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इलायची का, ड्राई फ्रूट का और खोया जैसे दूध और ऐसा नारियल भी है इसमें। रेसिपी देखो एंड गाइस थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू, बाय बाय। खीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चावल, आधी कटोरी मैंने चावल लिया है। ये जो छोटे छोटे वाले जो टुकड़े वाले चावल होते हैं ना, वो हमने लेने हैं। खीर के लिए ऐसे वाले चावल यूज होते हैं, और जब आप बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तब आपका लंबा दाना बासमती वाला यूज होता है, ठीक है। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया 5-6 पानी, और साफ पानी में चावल को भिगो के आप रख दो आधे घंटे के लिए। दूध ले लिया मैंने, 1.25 लीटर मेरा दूध था, इसको कढ़ाई में मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। और जब ये बॉयल हो जाता है दूध, उसके बाद मैं डालूंगी चावल इसके अंदर, ठीक है। जितने भी आपके चावल हैं, अंदाजे से मैंने आधी कटोरी लिया था, मिक्स कर लूंगी थोड़ा सा दूध और चावल को, और ढक के इसको 10 से 15 मिनट बड़े आराम से पकाऊंगी। 10-15 मिनट बाद आप देखोगे दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, खुशबू पूरी फैल जाएगी चावल की, चावल का दाना थोड़ा सा लंबा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स कुछ लोग बहुत सिंपल खीर खाते हैं, सिर्फ बादाम डालते हैं, सिर्फ काजू डालते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग इलायची डालते ही नहीं है, मैंने जो जो डाला वो आप सबके सामने है। इलायची भी डाली, उसके छिलके भी डाले एंड काजू बादाम किशमिश, कम ज्यादा जितने क्वांटिटी करने सब आपके ऊपर है, आपके घर वालों के टेस्ट के ऊपर है, क्योंकि हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वाली खीर अच्छी लगती है। चलो ड्राई फ्रूट डाल दे साथ में ना गाइस, ये नारियल मिलता है, सूखा नारियल हम इसको बोलते हैं, सूखा नारियल कुछ इस तरह से अंदर से आपको दिखेगा। इसको हम ग्रेट करके भी कुछ लोग डालते हैं, जैसे मैंगो शेक वगैरह के ऊपर डालते हैं ना, मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, रफली चॉप कर लिया, क्योंकि हमें नारियल भी इसके अंदर टेस्टी लगता है खीर के अंदर। मैंने बोला ना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब आपकी अपनी चॉइस है, आपने नहीं डालना, डालना कम डालना ज्यादा डालना सब आपकी अपनी चॉइस है। चीनी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कम ली है, बाद में मैंने 2 चम्मच और ऐड की थी, हम लोग थोड़ा लाइट मीठा खाते हैं तो मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा कम लिया था। आप आधी कटोरी तक खीर चीनी ले सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी और भी चीनी ले सकते हो, सब आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी पसंद है। और मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, कंसिस्टेंसी आप देख लो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, चावल एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए, लंबा हो जाना चाहिए दाना, जैसे देख रहे हो ना चावल का, खा के आपको खुद पता लग जाएगा कि खीर एकदम खोए खोए जैसा उसका टेस्ट आना चाहिए, दूध चावल अलग अलग नहीं दिखने चाहिए। वो था जब गरम गरम था, अगले दिन जब मैंने फ्रिज में रख दिया, ये देख लो नेक्स्ट डे का मैंने शूट किया, आज सुबह मैंने इसको शूट किया था, ठंडी ठंडी देखो खीर कितनी सही कंसिस्टेंसी बनी है एंड इतनी यम्मी थी ना, मजा आ गया था खा के। तो बस यही थी आज की वीडियो, लव यू ऑल, बाय।